नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। रोजाना हम कोरोना पर बात करते हैं, कोरोना के आंकड़े कैसे हैं, कोरोना से शहरों में क्या हाल है, गांव में क्या हाल है, किस तरह से सरकारें तैयार कर रही हैं, इसको लेकर रोजाना हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मासूम बच्चों की जो पिछले 1.5 साल से घर पर हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कभी स्कूल खुल जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जब से दूसरी लहर आई है तब से वो घर पर ही हैं। ऐसे में तमाम तरीकों से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो अच्छे घर से हैं, जो माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, उनके सामने पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे को टाइम देने की समस्या है, कैसे ऑनलाइन से पढ़ाया जाए ये समस्या है। जिनके ऊपर आर्थिक तंगी है उनके सामने समस्या ये है कि कुछ घरों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर है तो एक है लेकिन बच्चे तीन हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं तो किसका नंबर कब आए, ऐसी तमाम समस्या है। गांव देहातों में नेटवर्क का इशू हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत लोगों को महंगा पड़ता है, ऐसी तमाम दिक्कतों का सामना लगातार पिछले 1.5 साल से देश की अगर मैं कहूँ तो करोड़ों बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जाता हुआ नजर आता है। पारुल, देखिए हम देख तो रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अभिभावकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे फीस को लेकर हो चाहे ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, या ये कहें कि वो पीड़ित हैं, क्योंकि पूरे दिन लैपटॉप पे पढ़ना एक तो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, दूसरा आँखों के लिए ठीक नहीं है, तीसरा सिर्फ पहले जब स्कूल जाते थे अपने दोस्तों से मिलते थे, वहाँ पर मनोरंजन करते थे, खेलकूद की भी क्लासेस होती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आप टीचर को सुनिए और वो नोट डाउन करिए, बस हो गया। तो ऐसे में बच्चों का मनोबल टूट रहा है, बच्चे उतने उत्साहित नहीं है, जो बचपन होता है ना वो कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल काजोल, और इसीलिए देखिए कई सारे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखते हैं कि बच्चे कुछ मौज मस्ती करते हैं तो लोग डाल देते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलवा दिए जाए ताकि बच्चे स्कूल पहुंचे, क्योंकि देखिए पहले बच्चों के मन में एक हमेशा उत्साह रहता था कि स्कूल में जाएंगे, आज ये करेंगे, आज इस क्लास को अटेंड करेंगे, आज गेम्स का पीरियड होगा, आज ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस जब से हो गई हैं, कोरोना जब से शुरू हुआ है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का मन जो है कहीं ना कहीं परेशान रहता है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाती है, और कहीं ना कहीं देखिए कल प्रोजेक्ट तो बच्चों को दिए जाते हैं ताकि उनका मन जो है, ध्यान जो है भटकाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मज़ा नहीं आ पाता जो पहले आता था। क्योंकि अगर हम अपने स्कूल के दिनों की बात करें, हमेशा हम एक्साइटेड रहते थे स्कूल जाने के लिए कि स्कूल में आज ये होगा वो होगा, लेकिन अब अगर आज के बच्चे जो हैं वो कहीं परेशान हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए 1.5 साल हो गया, और काजोल जिस तरह से कोरोना के थर्ड वेव की भी बात की जा रही है, लगता नहीं है कि सरकार या प्रशासन विचार भी करेगा भी स्कूल खोलने पर कुछ समय तक। तो इसीलिए देखिए CBSE बोर्ड ने तो पहले ही 10th और 12th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था, 10th के कैंसिल कर दिया था और 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था। अब यूपी बोर्ड ने भी ये फैसला, यूपी बोर्ड ले सकता है कि वो 10th के एग्जाम्स को ना कराए और बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दे, और इसीलिए देखिए 29 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं लटक गया है अधर में, वो इसलिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रही है। चाहे हम हालांकि देखिए यूपी बोर्ड ने ये भी कहा है कि शिक्षा मंत्री देखिए दिनेश शर्मा बच्चों को प्रमोट करने का फैसला जल्द सुना सकते हैं, और यूपी बोर्ड ने 24 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रों के प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर में नंबर अपलोड करने के लिए कहा है ताकि उसी बेसिस पे मार्कशीट उन बच्चों को बनाकर दे दी जाए 10th की। लेकिन ऐसे में काजोल सवाल ये उठता है कि एक साल पिछला पूरा साल ऐसे ही निकल गया, ये भी पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा, बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्योंकि देखिए शिक्षा की बात तो बहुत की जाती है हमारे देश में, और सरकार ने ये तो कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, प्रशासन ने कह दिया ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन क्या वो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा बच्चों तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल पारुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो फायदा पहुंच पा रहा है, क्योंकि बच्चे देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जो 5वीं तक के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती में रहते हैं। बिल्कुल। उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे पढ़ें, और बच्चे तो बहुत दूर की बात है, जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम
स्कूल नहीं खुले हुए हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो फीस की बढ़ोतरी नहीं है, फीस नहीं देनी होती, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके सामने समस्या ये है कि उन्हें फीस भी देनी है। ऐसे में कल योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा पूरी तरह से कंटिन्यू करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र यानी कि 2021-2020 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। ये अच्छी खबर है अभिभावकों के लिए। और ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, विद्यालय भौतिक रूप से बंद है पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय लिया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार ना पड़े, साथ ही विद्यालय में कार्य शिक्षक और जो कर्मी है वो नियमित वेतन लगातार सुनिश्चित करें। ये बहुत अच्छा फैसला है, अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होगी। जो शिक्षक लगातार काम करें, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, उनके वेतन को लेकर भी ये अच्छी खबर है, लेकिन परेशानी है और बहुत ज़्यादा है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो हमने लगातार कुछ बच्चों से बात की थी, दौरा किया था जब हमने नोएडा के कुछ बच्चों से, तो कुछ तो ये हैं कि ये कह रहे हैं कि उन्हें परेशानी हो रही है, नेटवर्क इश्यू होता है, उनके घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है, पापा जब जाते हैं ऑफिस तो वो लेके चले जाते हैं, तो ऐसे में उनका कोर्स नहीं हो पाता पूरा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना टॉपर जो किताबों में घुसे रहते हैं, वो बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आने वाले समय में पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहे हैं। लेकिन पारुल, डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का बचपन छीन लेना क्या ये सही है? बिल्कुल काजल, बचपन छीन लेना भी सही नहीं है और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी इससे खत्म होता जा रहा है। देखिए, स्कूल बच्चे जाते थे, एग्जाम अच्छे से देते थे, रिटन एग्जाम होता था स्कूल में, तो एक डर रहता था बच्चों के अंदर कि चीटिंग नहीं कर सकते किसी भी तरह की, जो हम पढ़ के जाएंगे, जो हम दिमाग में लेके जाएंगे वही हम एग्जाम में लिखेंगे और सवाल जो भी आएंगे उन्हीं का अपने तरीके से हम जवाब लिखेंगे, तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत रहता है। लेकिन अब जो ऑनलाइन एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं उसमें कह तो दिया जाता है कि टीचर्स देख रहे हैं, टीचर्स की निगरानी में होते हैं, लेकिन काजोल होता क्या है वो सबको पता है। ऑनलाइन एग्जाम्स भी खाना पूर्ति ही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि अभिभावक जो हैं फीस दे रहे हैं और प्रक्रिया होती है एग्जाम कराने की, तो वो पूरी करनी है इसलिए कराए जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो देखा जाए, कंपटीशन बच्चों में अब कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। बच्चों को परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है कि अब हमारा एग्जाम होंगे, हमें पढ़ना होगा, एग्जाम से दो दिन पहले बुक खोल के पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन ये सब बच्चों की बात नहीं है, कुछ बच्चों की बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सिर्फ पारुल बच्चों का भविष्य नहीं, देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, जो मॉरल एजुकेशन है वो भी ठीक तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रही है और किताबी ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बच्चे जो हैं जब फोन उनके हाथ में दे देते हैं पेरेंट्स, तो जब पेरेंट्स नहीं होते उनकी गैरहाजगी में वो कार्टून देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे कुछ और वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ऐसे में 24 घंटे उन पर नज़र बनानी भी पेरेंट्स नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स कई बार कामकाज के सिलसिले में बाहर जाते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो 10th और 11th के बच्चे हैं उनका कोर्स उन्हें समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ समझनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना का जो पैंडेमिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर का आपने जिक्र किया अभी, तो ऐसे में क्या बच्चे घर पर ही बैठेंगे, क्या ऑनलाइन ही पढ़ाई होती रहेगी? ऐसे में जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या विकल्प निकालने की तैयारी कर रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल काजोल, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी बहुत परेशानी है, जैसा आपने भी कहा था कि फ़ोन एक होता है, घर में बच्चे तीन होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे अभिभावक हैं जो फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फ़ोन भी नहीं खरीद पाते, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम फीस तो दे रहे हैं, अगर फीस नहीं देंगे तो बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा, लेकिन फ़ोन नहीं है तो हम पढ़ाई किस बेसिस पर कराएं, किस तरह से पढ़ाई अपने बच्चों को कराएं? तो ऐसे में कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि लोन लेके, किस्त लेकर फ़ोन खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद
खरीद रहे। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो अभिभावकों के और बच्चों के सामने लगातार आ रही है, लेकिन ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि आपने जो ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया और कह दिया ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन हर बच्चे पर क्या फोन और क्या मोबाइल या फिर लैपटॉप घर पर उपलब्ध है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने अभी किश्तों का जिक्र किया है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो फोन ईएमआई पे ले रहे हैं, किश्त भर रहे हैं। अभी समय ऐसा है कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन है, कई कंपनीज बंद है, कई फैक्ट्रियां बंद है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ खुली भी हुई है, लेकिन जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो काम करते हैं और फैक्ट्रीज बंद है, वो किश्त कहाँ से चुकाए? किश्त ना चुकाए तो फिर वो कैसे आगे बच्चों को पढ़ा पाएगा? बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने बात की है बच्चों से, कह रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें प्राइवेट स्कूल से सरकारी में डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूल मनमानी बहुत कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के जो मानसिक रूप की स्थिति है ना, उस पर भी पड़ती हुई नज़र आती है। मानसिक रूप से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल काजल, और देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे सुरक्षित तो हैं, लेकिन इससे फ़ायदे नुकसान हर तरह के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लगातार जिक्र कर रही हैं मानसिक स्थिति बच्चों पर इसका फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंपटीशन अब ख़त्म होता जा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज ही तो हैं, एग्ज़ाम होगा, हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज को भी वैसे ही अटेंड कर रहे हैं जैसे वो स्कूल में जाकर करते हैं। यानी कि जो टॉपर्स होते हैं वो हर बार जैसे स्कूल में पढ़ते थे, वो ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्या हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में उतना ही लाभ उठा पा रहा है जितनी फीस वो दे रहा है, उसके अभिभावक दे रहे हैं? बिल्कुल, और बेहतर भी करना चाहिए। और क्या हर बच्चे और हर अभिभावक के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फोन, लैपटॉप, हर वो सुविधा उपलब्ध है जो होनी चाहिए? सरकार और प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।